आपका क्वेश्चन है इफ 9 टू द पावर ऑफ n इनटू 3 स्क्वायर इनटू 3 टू द पावर ऑफ माइनस n बाय 2 n होल टू द पावर ऑफ माइनस 2 माइनस 27 n बाय 3 टू द पावर ऑफ 3m इनटू 2 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 बाय 27 प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये देखो इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट वन बाय वन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो ये देखो आपका क्या आएगा, तो हमको ये प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, इसको किस फॉर्म में लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मींस 9 क्या होता है हमारा 3 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 3 स्क्वायर एंड पावर इज n, दैट मींस 3 2 इंटू n, दैट मींस 2 इंटू n इज 2n इंटू नाउ 3 स्क्वायर इंटू नाउ यहां पर देखो क्या है, 3 टू द पावर ऑफ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये क्या हो गया, पावर इंटू पावर गेट मल्टीप्लाइड, तो आपका ये हो गया 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, तो यहां पर आपका आ गया 3 टू द पावर ऑफ n माइनस नाउ 27n, दैट मींस 27 क्या होता है हमारा 3 क्यूब, तो इट विल कम एज 3 क्यूब एंड n इज देयर, तो 3n बाय यहां पर देखो क्या है 3m इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 27, दैट मींस 1 बाय 3 क्यूब, 3 क्यूब। ठीक है, तो ये देखो आप क्या करोगे, नाउ यहां पर देखो 3 है यहां तक, तो बेस इज 3, तो ये क्या होंगे आपके ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, इट विल कम एज 3 टू द पावर ऑफ 2n प्लस n इज 3m इंटू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम 3 स्क्वायर ही लिखते हैं, माइनस नाउ 3 टू द पावर ऑफ 3m, 3 टू द पावर ऑफ 3m बाई यहां पर देखो क्या है आपका, पावर इज सेम 3 है ना, तो आप पावर को 3 लेके चल सकते हैं, तो लेकिन फिर भी हम इसको सेम लिख लेते हैं अभी, 3m इंटू 2 की दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 क्यू। नाउ यहां पर यू कैन सी 3m इज कॉमन इन बोथ, है ना, यहां पर देखो बीच में माइनस है, ये दोनों कॉमन है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 3m एंड यहां पर हो गया आपका 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय सेम यहां पर है आपका 3m इंटू 2 क्यूब इज हाउ मच 8, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 क्यूब। नाउ तो ये देखो 3 स्क्वायर इज 9, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका 3m इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 बाय 3m दैट इज इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 क्यूब। नाउ यू कैन सी 9 माइनस 1 इज 8,
एंड नीचे भी 8 है, तो ये गेट कैंसल्ड। तो अब देखो आपका ऊपर का क्या आ गया, 3 टू द पावर ऑफ 3 एन, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो सकता है, देखो 3 3n बाय 3 3n दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 क्यूब। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाओ। तो ये देखो ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 3n माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ माइनस 3। तो देखो बेसिस सेम, तो अब आपका क्या हो गया, ये 3n माइनस 3m दैट इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ यू कैन सी, ये देखो 3 में आपका डिवाइड हो रहा है फुल इक्वेशन, तो डिवाइड कर दिया हमने 3 से, तो अब आपका आ जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1। तो बट इन अल्फाबेट में आपका m विल कम फर्स्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो माइनस एम प्लस एम दैट इज इक्वल टू माइनस 1। और हमको ये भी पता है, वी नो दैट कि हमारा इक्वेशन शुड नॉट स्टार्ट विथ माइनस, तो व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द साइन फॉर फुल इक्वेशन। तो आपका आ जाएगा एम माइनस एन इज इक्वल टू 1। नाउ वी कैन से हेंस प्रूव, है ना, देखो हमने प्रूव कर दिया।